हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन. सो माय नेम इज तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग एनपीसी, वेयर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स. एंड टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द सॉलेनॉइड. ओके, इन आवर लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया जाता है. ओके, सो सोलेनॉइड इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. सोलेनॉइड में भी हमें क्लोज्ड लूप सिमेट्री ऑब्जर्व करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सोलेनॉइड. लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलेनॉइड का यूज़ क्या होता है? ठीक है, अगर हम सोलेनॉइड पढ़ने जा रहे हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड आया क्यों. ओके, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी जिस कारण से इसे इंट्रोड्यूस किया गया फिजिक्स में. ओके, तो सिंपली सोलेनॉइड जनरेट हाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगर आपको हाई यूनिफॉर्म पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए देन वी कैन यूज सोलेनॉइड. ओके, एंड एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे टीवी के लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, सो वी विल यूज सोलेनॉइड इन दिस केस. ओके, एंड लॉन्ग सोलेनॉइड, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करेंगे. लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब यह है कि उसकी लेंथ सोलेनॉइड के, जो सोलेनॉइड की रिंग है, उसकी रेडियस से काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, सो लेंथ इज लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस. तो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी एंड डायरेक्शन क्या होगी, वो सभी हम आगे डिस्कस करते हैं. ओके, सो सिंपली वी कैन से द सोलेनॉइड इज अ हेलिकल शेप. ठीक है, क्या होता है, सोलेनॉइड एक हेलिकल शेप होता है जो कि किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पर वाउंड करके बनाया जाता है. ठीक है, मींस जैसे आपका ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया और इस पर इस तरह से काफ़ी सारी रिंग्स, ये तो मैंने ओनली वन रिंग लिया है, इस पर काफ़ी सारी रिंग्स होती हैं जो कि ओनली एक वायर से ही कनेक्ट होती है. ठीक है, जैसे हमने ये वाला जो रिंग लिया है ये ओनली वन वायर के थ्रू बना हुआ है. ठीक है, अब ये जो वायर है उसकी लेंथ को हम काफ़ी बढ़ा देते हैं. ठीक है, जितना लेंथ का ये रिंग बना हुआ है उस लेंथ का जो वायर है उसको काफ़ी बढ़ा देते हैं और काफ़ी सारे टर्न्स ले लेते हैं इस इंसुलेटिंग मटेरियल पर, तो वो जो शेप है दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड. ओके, इससे फॉर एग्जांपल आप रिंग ले सकते हैं. ठीक है, रिंग के ऊपर अगर आप रिंग को स्ट्रेच करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक वायर की तरह, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, बट अगर उसे रिलीज कर दें तो वो इस तरह से हेलिकल शेप में अगेन वापस आ जाएगा. ओके, सो सोलेनॉइड इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्लोजली वाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में वायर्स जो हैं वो वाउंड किए जाते हैं ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल. ओके, अब इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स कोई भी आप मटेरियल ले सकते हैं, ये जैसे हमने ये पेन लिया है तो पेन के ऊपर भी आप वायर को लपेट कर एक सोलेनॉइड बना सकते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये डायग्राम समझिए, ये जो डायग्राम है दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड. ओके, अब इस डायग्राम में क्या होता है कि जो टू एंड्स हैं, जैसे हमने ये रिंग लिया है, अभी तो ओनली वन टर्न है इसमें, बट बहुत सारे जो टर्न होते हैं दैट इज द सोलेनॉइड. तो ये जो काफ़ी सारे टर्न्स आपको दिख रहे हैं इंसुलेटिंग मटीरियल के ऊपर, हमने काफ़ी सारे टर्न्स ले लिए और इन टर्न्स का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, मतलब कि वन एंड है, वो कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव से एंड सेकेंड एंड कनेक्ट कर दिया है बैटरी के नेगेटिव से. क्यों? क्योंकि अगर आपके वायर में या आपकी जो भी मटेरियल है उसमें करंट का फ्लो होगा देन वी हैव टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और हमें हमारा जो एम है दैट इज टू मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब हम किसी वायर में करंट को प्रोड्यूस करवाएं. ठीक है, हमने बायो सेवर्ट लॉ में भी स्टडी किया है कि बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट का फ्लो हो देन उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पर भी हमें करंट को प्रोड्यूस करवा के, ठीक है, करंट को जनरेट करवा के, करंट को फ्लो करवा के हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे. ओके, अब ये जो आपका सोलेनॉइड है इसमें जो रिंग्स हैं वो रिंग्स, हर एक रिंग सर्कुलर लूप सर्कुलर शेप की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, जैसे कि हमने इस तरह से, अभी आपको इस तरह से रिंग को अज्यूम करना है. ठीक है, तो इस तरह अगर रिंग को अज्यूम करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा, ये आपका रिंग है. ठीक है, समझ लेते हैं. ओके, एंड इस रिंग में जो करंट फ्लो है, करंट फ्लो है वो इस तरह से है कि यहाँ पर आपकी तरफ करंट फ्लो हो रहा है एंड नीचे से इनसाइड करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, मीन्स इस तरह से ये अंदर की तरफ हो रहा है एंड ये आपकी तरफ जा रहा है. ठीक है, यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं तो ये जो आप पेपर ले रहे हैं उसके इनसाइड जा रहा है. ठीक है, इनसाइड एंड इस पॉइंट पर आउटसाइड आपकी तरफ आ रहा है, तो इस तरह से मैंने करंट की डायरेक्शन को बना दिया. ऑब्वियसली बात है कि करंट की डायरेक्शन है आपके पास, देन वी विल ईजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से हम
करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर रिंग है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो राइट हैंड है, ठीक है, हमारा राइट हैंड है वो इस तरह से हम कर्ल करेंगे, तो ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से इनसाइड जा रहा है, तो हम इस तरह से अगर आपके राइट हैंड को रखेंगे देन करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग द थंब, ठीक है, मीन्स थंब जहाँ पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह से मिलेगी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड आगे जाकर बैंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाती है, तो इस तरह से ये बैंड होके अगेन यहाँ पर इंटर हो जाएगी, ठीक है, इस रिंग पर इंटर हो जाएगी, ओके, एंड इस तरह से आपके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगी यहाँ पर, ओके. अब आप सपोज करिए कि पॉइंट पी यहाँ है, पॉइंट क्यू यहाँ है और पॉइंट आर यहाँ पर है, ठीक है, हम इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पर हाई है और कहाँ पर वीक है, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पर जो मिडल पॉइंट है इस पॉइंट पर ज़्यादा लिंक करेगी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट की होगी, इसलिए पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, ओके. अब हम क्या करते हैं, एक और रिंग ले देते हैं, ठीक है, एक और रिंग ले लिया, सेकेंड रिंग ले लिया, अब सेकेंड रिंग का भी कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होना है, ठीक है, डायरेक्शन आपकी सेम होगी, क्यों, क्योंकि हम यहां पर तो जो रिंग ले रहे हैं वो वन वायर के थ्रू है, यहां पर जो रिंग ले रहे हैं वो भी आपका सेकंड वायर है, ठीक है, बट हेलिक्स शेप में जो सोलेनोइड बना हुआ है उसमें तो ओनली वन वायर लेना है, और वन वायर है इन द सेंस करंट भी सेम होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन सेम होगी, ओके. सो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आपको मिलेगी. अब ये जो आपने रिंग्स लिए हैं वो काफी क्लोज रखना है आपको, इतना क्लोज रखोगे कि आपकी ये जो मिडल वाले मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बैंड होके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है क्यू पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव है, इन द सेंस यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, सो आउटसाइड सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ओके. सोलेनोइड के इनसाइड ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. यहां से मुझे मेरा जो पर्पस था मेन वो ये समझाना था कि सोलेनोइड के इनसाइड ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, ओके. अब इस तरह से हमने एक वायर के थ्रू बैंड करके सोलेनोइड बना लिया और करंट यहां से फ्लो करवाया, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये नीचे साइड होगी, ठीक है. सेम इस तरह से ही जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका का जो पॉइंट है यहां पर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, मीन्स आपकी तरफ है, और इस पॉइंट पे नीचे के पॉइंट पर इनवर्ड है, ओके. तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहां पर इस तरह से मिलेगी, ओके. ये अब हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हमें एक क्लोज्ड लूप चाहिए, ठीक है, जो कि सिमेट्री हो, ओके. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हमने क्या किया, इस रिंग को यहां से हाफ कर दिया, तो ये जो है वो आउटसाइड वाला पोर्शन है, आउटसाइड वाला पोर्शन मीन्स ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नीचे वाला जो पोर्शन है वो इनसाइड वाला, तो इनसाइड के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है, तो हमने डॉट और क्रॉस यहां पर यूज किया हुआ है, ओके. और इनसाइड जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो क्या होंगी, पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो पैरेलल मिलेंगे, ओके. तो इस तरह से हमने डायग्राम सपोज कर लिया. अब हम यहां एक क्लोज्ड लूप सपोज करते हैं जो कि सिमेट्री है, और उसका लेंथ कितना है, एच. यहाँ इस पोर्शन में देखिए इनसाइड है, ए और बी मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, बट सी एंड डी, सी और डी पोर्शन में आउटसाइड होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो सी और डी का कोई सेंस नहीं रह गया, ठीक है. अब देखिए बी सी एंड ए डी मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी इंटू डी एल, ओके. डी एल का मतलब क्या होता है कि जो भी आप ये पोर्शन ले रहे हैं, जो भी आप लेंथ का पोर्शन ले रहे हैं, तो लेंथ आपको ये वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन अगर ए बी ले लें तो लेंथ ये वाला कंसीडर करेंगे, बट अगर आप ए डी ले रहे हैं तो आप लेंथ ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो डी एल एलिमेंट यहां से आप कहीं लेंगे, ठीक है, इतना पोर्शन ले लिया आपने स्मॉल एलिमेंट. सो बी एंड डी एल के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, बी डी एल कॉस थीटा जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो. सो ए डी पोर्शन एंड बी सी पोर्शन में अगेन मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा. सो आपको फाइनली मैग्नेटिक फील्ड किस पोर्शन से मिलेगा, ए एंड बी, ओके. ए बी पोर्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं, लेंथ क्या है, टोटल ए बी पोर्शन की एच है, ठीक है. तो यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करिए, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ बी डी एल इंटू म्यू नॉट आई, आई इन द सेंस टोटल करंट पासिंग थ्रू इन दिस पोर्शन, ठीक है, ए बी पोर्शन से जो भी टोटल करंट पास हो रहा है वो. अब
टोटल करंट हमने सोलेनोइड में आई ई सपोज कर लिया, और टोटल करंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सोलेनोइड का यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है। हमने सपोज किया कि सोलेनोइड अगर 10 मीटर का है तो उसका यूनिट लेंथ 1 मीटर कंसिडर करते हैं। 1 मीटर में एन टर्न्स है, स्मॉल एन टर्न्स हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 मीटर में मीन्स टोटल जो लेंथ है एच, उस एच लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, सो एन एच इज द टोटल टर्न, और टोटल टर्न के थ्रू करंट जो पास हुई दैट इज आई इंटू एन एच, ठीक है। आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई इज द करंट पासिंग थ्रू दिस सोलेनोइड, ओके। सो एम्पियर सर्किट और लॉ की हेल्प से आई ई के प्लेस पे आई एन एच ये वैल्यू पुट कर दी, टोटल लेंथ एच है, सो एच एच कैंसिल, सो वी गेट फाइनली द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। सो फाइनली वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू एन आई, एंड द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनोइड, ओके। सोलेनोइड से हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की जा सकती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की जा सकती है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।